कीजिए एक बार, आवाज क्लियर है ना? मैसेज तो कर दीजिए। चलिए सेशन कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आवाज क्लियर है क्या? मैसेज कीजिए ना। सेशन को शेयर कर देना है, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। थंबनेल के अनुसार आपको पता होगा ये ब्रह्मास्त्र बैच है। अनाउंसमेंट जो हम लोग किए थे अपने शेड्यूल के अनुसार, 1 तारीख से हम लोगों का जो टाइम फिक्स है ये 9 PM 9 बजे से ही फिक्स रहेगा। 9 से 10 इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लाइव बैच रहेगा। आज हम लोगों का ये पहला दिन है ना ब्रह्मास्त्र बैच का। मतलब है अगर ITI फील्ड में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये धरती पर जितना भी एग्जाम है ITI से रिलेटेड और जहाँ पर टेक्निकल पूछा जाता है, उसके लिए ये बेसिक बैच है। सभी में काम आएगा, जैसे इसरो, बार्क, सेल, मेट्रो, ALP टेक्नीशियन। अब इसमें जगह कम था, इसके अलावा NPCIL और भी जोड़ सकते हैं, UPRVNL, DRDO आगे होने वाला होगा, भविष्य में जो भी आएगा धरती पर जितना एग्जाम टेक्निकल रिलेटेड होता है ITI से संबंधित, उन सबके लिए सिलेबस पढ़ाएंगे। समझ में आ चीज? तो बिल्कुल एकदम फ्री है, वादे के अनुसार हम लोग दृढ़ है और सारा चीज आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गजनी भी राजा बनेगा। समझ में आ चीज? तो गजनी भी मुस्कुरा रहा होगा देख करके। अब यहाँ पर देखें तो वही टैग लाइन है हम लोगों का, पढ़ो चाहे कहीं से टॉपर होगा यही से। दूसरा ये पढ़ो वहां जहाँ टॉपर पढ़ते हैं, ठीक। आज का टॉपिक हम लोगों का लेथ मशीन है, लेकिन लेथ मशीन पढ़ने से पहले थोड़ा सा सिलेबस जान लेंगे और फिर लेथ मशीन में भी आएंगे। समझ में आ चीज? तो टाइम ध्यान रखिए, 9 बजे से रहेगा। जो भी यहाँ पर चीजें पढ़ाएंगे सारा नोट्स में बनाते जाना है, अलग से कोई PDF कोई चीज अलग से अवेलेबल नहीं है। आप डायरेक्ट इसको बनाते चलिएगा, ठीक है, नोट्स बनाते जाना है। तो अभी नहीं बनाना है नोट्स, नोट्स तो आप बनाएंगे जब वीडियो एंड होगा, तो जा करके यूट्यूब पर से जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसमें से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को चर्चा कर लेंगे। एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो क्लास होगी सप्ताह में 5 दिन ही रहेगा, शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगा, यानी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। तो कोई भी प्रेशर नहीं बनाएगा बाद में कि शनिवार नहीं आ रहे हैं सर, या मैसेज नहीं करेगा ज्यादा, या संडे को नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक। सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग लगातार स्टार्ट कर देंगे क्लास को। अब यहाँ पर देखें तो सिलेबस फिटर टर्नर और मशीनिस्ट का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फाइल रेती, छोटे छोटे टॉपिक है बेसिक हैंड टूल में। गुनिया है, ट्राई स्क्वायर, जो आपको टॉपिक पढ़ाएंगे उसका लिस्ट बता देते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो तो लेथ मशीन है ही, विस्तृत तरीके से, कोई हड़बड़ी के साथ नहीं, आराम से पढ़ेंगे, सारा चीज समझते चलेंगे। नेक्स्ट है भाई सेज बांक, अलग अलग टाइप्स के भाई इसमें पढ़ा देंगे। माप एवं मापी औजार बेसिक, इसमें टूल के बारे में। इसके अलावा इसमें हम लोग मेट्रिक और ब्रिटिश यूनिट में जो कन्वर्जन है इसके बारे में सीखेंगे, यूनिट के बारे में भी सीखेंगे, ये बहुत काम आता है। ये यूनिट, ये जो चैप्टर है ये जब पढ़ा देते हैं तो आपका वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का भी एक चैप्टर का लगभग काम हो जाता है। मेन चीज जो पूछा जाता है और उसी के आधार पर मैक्सिमम क्वेश्चन भी बना सकते हो, चाहे ट्रेड थ्योरी से रहे या आपको ये इसमें से रहे, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में से रहे। माप एवं मापी औजार यूनिट के बारे में भी इसी में पढ़ेंगे। मार्किंग मीडिया एवं विधि सपोर्टिंग टूल में सरफेस प्लेट, एंगल प्लेट, वी ब्लॉक, मार्किंग टूल्स, उसके बाद पंच तथा हैमर, कटिंग टूल्स में अलग अलग कटिंग टूल्स डिस्कस कर लेंगे। बस इसको शुरू में लिख लेना है कॉपी में क्या क्या टॉपिक है हम लोगों का। ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन है, रीमर्स है, टैप, डाई, सूक्ष्म मापी यंत्र, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, तो एक एक करके सारा चीज बता देंगे। लिमिट फिट और टॉलरेंस थ्योरेटिकल टॉपिक है,
इसरो के लिए ये सब हृदय होता है, हार्ट, गेज, ये सब इसरो का हृदय है, मेटल, उष्मा उपचार, ये सब इसरो का हृदय है। ऐसा नहीं है कि इसरो ही बोल रहे हैं खाली, और भी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादा टारगेट करता है इसरो इसको। और इसरो के लेवल इसलिए बोलते हैं हमेशा क्योंकि आपके फील्ड में, आईटीआई के फील्ड में इसरो का ही एग्जाम एक लेवल का है, ढंग का है, कहीं उससे भी अधिक डेप्थ कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे, आपको देंगे, जिसके सहायते से, जिसके सहारे से आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, समझ रहे चीज। और क्वेश्चन भी ढेर सारा, अभी हम लोगों का जो नोट्स जो पढ़ाएंगे आपको, बाइलिंगुअल तो रहेगा ही, हिंदी और इंग्लिश में, प्लस क्वेश्चन भी साथ साथ में कराते चलेंगे, कुछ भी धुआं धुआं होने के लिए नहीं छोड़ेंगे कि पढ़ो और घर पर जाओ तो धुआं धुआं हो गया, यहीं पर चाट के जाना है सब, समझ रहे चीज। उसमें उपचार, सीट मेटल, रिवेट एंड रिवेटेड ज्वाइंट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस टॉपिक देख लो, फिर हम लोग आ जाएंगे अपना मेन टॉपिक पर। आज का जो है ग्राइंडर व्हील और ग्राइंडिंग मशीन, छोटा सा टॉपिक है लेकिन टॉप लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। रिंच और स्पेनर, फास्टनर, DMRC में ज़्यादा पूछा जाता है। प्रतिबल एवं विकृति, ये स्पेशल टॉपिक डाले हैं, स्पेशल टॉपिक इसरो के लिए, और ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी मिल जाएगा। फिर वेल्डिंग है, वेल्डिंग एक अलग से टॉपिक है, ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा पढ़ा देंगे इसमें वेल्डिंग में। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, स्क्रू थ्रेड, स्नेहक और शीतक, लेथ मशीन, आज का टॉपिक यही रहेगा, सबसे बड़ा टॉपिक है ये, सबसे बड़ा चैप्टर है, पढ़ने में इसको 12 से 15 दिन लगता है, और यही टॉपिक स्टार्ट किए हैं, आराम से पढ़ेंगे, सनह सनह, धीरे धीरे, ठीक। नेक्स्ट है स्लॉटर, शेपर एंड प्लेनर मशीन, मिलिंग मशीन। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो जिग एंड फिक्सचर, स्पेशल फाइल्स, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग और कास्टिंग, ये सेल के लिए दो टॉपिक स्पेशल रखे हैं यहाँ पे, सेल के लिए पंचिंग और ब्लैंकिंग, फिर कास्टिंग, सेल के लिए दोनों टॉपिक से टारगेट करता है क्वेश्चन। NC-CNC, DNC मशीन, कोडिंग वगैरह के बारे में, पावर ट्रांसमिशन, बड़ा चैप्टर है ये भी, रस्सी के द्वारा पावर ट्रांसमिशन, बेल्ट पुली के द्वारा पावर ट्रांसमिशन, चेन ड्राइव, फिर गियर ड्राइव, ये सब पढ़ेंगे, थ्री और न्यूमेरिकल दोनों, पाइप फिटिंग, फोर्जिंग, मशीन की स्थापना, मेंटेनेंस, स्प्रिंग, ब्रोचिंग, समझ रहा चीज। इसके बाद नेक्स्ट है बियरिंग, फिर लैपिंग, हनिंग, सरफेस फिनिश, शाफ्ट एंड कपलिंग, सेफ्टी। हमारे अनुसार या तो आप चैप्टर मान लो या टॉपिक वाइज मान लो, टोटल 48 है, ये कवर कराएंगे, समझ में आ चीज। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चर्चा के विषय पर आते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ना, ये है लेथ मशीन का, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, लेथ मशीन स्टार्ट ही कर लेते हैं, ध्यान से समझना, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, ठीक, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, चुल मचा के नहीं रखना है, आराम से पढ़ते चलना है। चलिए लेथ मशीन, खराद मशीन बोलते हैं, खराब मशीन नहीं, खराद, खराद बोला जाता है ना। अगर यहाँ पर देखे, लेथ मशीन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज इसमें देख लेते हैं हम लोग, मशीन टूल्स, और इधर है रिलेटिव मोशंस, मशीन टूल्स और रिलेटिव मोशन, मशीन टूल्स जो वर्कशॉप में मशीनें यूज होती है, जैसे लेथ मशीन है, सेपर, प्लेनर, ड्रिलिंग, मिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जो मशीन होती है, इन सभी मशीनों को हम लोग मशीन टूल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मशीन टूल अलग से ये कहाँ आ गया, एलियन के जैसा, इन मशीनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन टूल बोलते हैं। लाइक कर दो सभी लोग और शेयर कर दो, ठीक। अब यहाँ पर देखें रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब अपेक्षिक गति देखेंगे किसके किसके बीच में, वर्क और टूल के बीच में। वर्क का मतलब वर्क बोलो या जॉब बोलो, वर्क बोलिए, जॉब बोलिए या पार्ट बोलिए, सेम बात है, पार्ट, वर्क बोलिए, जॉब बोलिए या पार्ट बोलिए, सेम बात है। टूल, तो जॉब और टूल के बीच में रिलेटिव मोशन देखेंगे अलग अलग मशीनों पर, कई एक बार तो यही से क्वेश्चन आ जाता है, समझ मेरा चीज। किस ट्रेड का पढ़ा रहे हैं, फिटर टर्नर मशीनिस्ट है विवेक कुमार, ठीक, नहीं पहले पढ़ रहा है तो समझ में आ जाना चाहिए, ये हमारे ट्रेड का नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो अलग अलग मशीनों पर रिलेटिव मोशन देखेंगे हम लोग,
अगर लेथ मशीन के बारे में बात करें और लेथ में जॉब जॉब के बारे में बात करें तो जॉब क्या करता है, रोटेट, आर का मतलब है रोटेट, आर का मतलब रोटेट, घूम रहा है। टी का मतलब होता है ट्रांसलेशन। अब इस ट्रांसलेशन का मतलब है, जैसे मान के चलिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ट्रांसलेशन का मतलब है वाई एक्सिस की तरफ ऊपर नीचे ये खिसक सकता है, ये लीनियर मोशन है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट भी खिसक सकता है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी आगे पीछे खिसक सकता है, इसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं या लीनियर मोशन बोल सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो लेथ में कोई पढ़ा होगा तो थोड़ा सा इमेजिन कराते हैं, चक में लेथ मशीन का जो चक होता है, चक में जॉब को पकड़ लेते हैं और जॉब को पकड़ने के बाद चक को रोटेट कराते हैं ना, जॉब रोटेट करेगा और टूल, या तो टर्निंग करना हो तो टूल को क्या करेंगे, लेथ एक्सिस के समानांतर बढ़ाएंगे, या डेप्थ ऑफ कट देना होगा तो लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे। तो ये सब क्या रहता है, ट्रांसलेटरी मोशन है। तो कई एक बार पूछा जाता है क्वेश्चन ही, सेपर प्लेनर के लिए अगर देखें तो इसमें जॉब भी ट्रांसलेट करता है और टूल भी। सेपर में जो टेबल होता है, टेबल पर जॉब को फिक्स कर लेते हैं और जॉब्स को टेबल पर ही फीड देते हैं, टेबल से ही फीड देते हैं, ऑटोमेटिक फीड, सेपर में भी और प्लेनर में भी स्लाइड करता है टेबल बड़े जॉब को लेकर के। जबकि जो टूल होता है, टूल क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, सेपर का भी रैम जो होता है रेसिप्रोकेट करेगा, और प्लेनर भी है तो डबल हाउसिंग प्लेनर है तो क्रॉस रेल के ऊपर उसको भी हम लोग लीनियरली क्रॉस फीड देने के लिए स्लाइड कराते हैं। तो दोनों का मोशन क्या रहेगा, ट्रांसलेटरी मोशन। सुन मेरा चीज। नेक्स्ट अगर देखें तो ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में अगर देखा जाए ये क्लियर समझ में आ जाएगा, इसको देख के गजनी मुस्कुरा रहा होगा, ये भी बोल रहा है यार ये तो बढ़िया समझ में आ गया। ड्रिलिंग में जॉब के बारे में बात करें तो जॉब क्या रहता है, फिक्स रहता है ना, मशीन भाई इसमें जॉब को फिक्स कर देते हैं, और जो ड्रिल होता है ये रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट भी करता है, ये अच्छे से समझ में आया हो, नहीं तो जैसे जैसे एक एक मशीन पढ़ाएंगे सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ड्रिल के लिए देखें तो जॉब स्थिर है, ड्रिल रोटेट भी करता है एक्सिस पर, और आर पार होल करना है तो नीचे की तरफ दबा भी देंगे ना, फिट देते हैं, तो ट्रांसलेट भी करता है, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मोशन होता है टूल का। सुन मेरा चीज। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो मिलिंग मशीन, मिलिंग में टेबल से, मिलिंग मशीन में मशीन के टेबल से ही फीड देते हैं, तो टेबल पर जॉब रख करके और ट्रांसलेट कराते हैं, और जो इसका कटर होता है आर्बर में, अगर हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है तो आर्बर में, नहीं तो वर्टिकल मिलिंग मशीन है तो उसके स्पिंडल में ये क्या करता है, घूमता है तो रोटेट करेगा। सरफेस ग्राइंडिंग यानी किसी जॉब की सतह की ग्राइंडिंग कर रहे हैं ग्राइंडिंग मशीन पर, तो सतह के पूरी सतह को ग्राइंड करने के लिए जॉब को क्या करेंगे, जैसे ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग व्हील तो घूम रहा है ना, टूल, टूल क्या कर रहा है रोटेट, तो टूल रोटेट करेगा, और जॉब के सतह ग्राइंड करना है तो जॉब को हम लोग क्या करेंगे, आगे पीछे खिसकाएंगे ना, तब पूरा सतह ग्राइंड होगा तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार जॉब है, लंबा बेलनाकार जॉब है, सिलिंड्रिकल जॉब है, उसकी ग्राइंडिंग कर रहे हैं, गोल जॉब है, अभी फ्लैट जॉब था तो उसका सतह गोल जॉब है, तो जॉब को तो ट्रांसलेट करेंगे ही, ज्यादा लंबाई में ग्राइंडिंग करना होगा, प्लस गोलाई में भी तो ग्राइंड करना है तो रोटेट भी करेंगे ना, तो रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मोशन होगा जॉब का, और ये जो रहेगा ग्राइंडिंग व्हील क्या करता है, रोटेट करता है। अगर ये टेबल समझ में आ गया तो किसी भी मशीन के लिए कोई सा भी जॉब और टूल का मोशन पूछे तो आराम से बता सकते हो। क्लियर है इतना। स्क्रू थ्रेड भी टॉपिक है सर, तो वो तो लिखे है ना स्क्रू थ्रेड। चलिए अगर यहाँ पर देखें लेथ मशीन के लिए, लेथ मशीन को देख लेते हैं यहाँ थोड़ा सा। सबसे पहले पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे अलग अलग फिगर के माध्यम से, फिर एक एक करके इनके बारे में जो डिटेल्स है ये बेसिक इंट्रोडक्शन पहले समझा देते हैं आपको, क्योंकि पूरा लेथ जब पढ़ेंगे तो शुरू से अंत तक 15 दिन तक तो हम लोग यही करने वाले हैं, यही सब समझेंगे इसके पार्ट वगैरह के बारे में, एक एक पार्ट कैसे काम करता है। लेकिन अभी एक बेसिक आपको व्यू बनाते हैं ताकि कुछ समझ बने लेथ मशीन को समझने के लिए, समझ चीज। इसके लिए अगर देखा जाए तो देखिए ना लेथ मशीन में अगर देखें तो ये लेथ मशीन है,
सीधा सा अगर मशीन के सामने खड़ा हो तो ये हेड स्टॉक होता है और ये क्या होता है, टेल स्टॉक। अब इसका पोजीशन है पूछा जाता है, हेड स्टॉक किधर होता है, टेल स्टॉक किधर होता है, यही पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। तो सीधा ऐसे खड़ा हो जाओ, खड़ा होने के बाद हाथ के पोजीशन के अनुसार देखना है, ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक है और राइट साइड में क्या है, टेल स्टॉक। तो राइट साइड में टेल स्टॉक और लेफ्ट साइड में क्या होगा, हेड स्टॉक होगा, ये पोजीशन होगा मशीन का। अब इसके अलावा ये हेड स्टॉक, ये टेल स्टॉक है, इसके अलावा अभी और देखे तो ये जो पूरा भाग होता है, ये पूरे भाग को हम लोग कैरेज बोलते हैं, कैरेज। इस पूरे जुगाड़ में दुताला तीनताला चारताला जो दिख रहा है, ये सब में एक एक पार्ट होता है, ये सब अलग से चर्चा करेंगे हम लोग, कैरेज असेंबली के कौन कौन से भाग हैं। इसके अलावा ये देखेंगे, ये कैरेज जिस पर फिट होता है, ये पूरा लंबा सा ऊपर वाला भाग जो होता है, ये बेडवेज नहीं तो स्लाइडवेज होता है, जिस पर ये कैरेज फिट होता है, और यही इस पर क्या करा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं, समझ रहा चीज, बेडवेज या स्लाइडवेज है ये। इसके बाद बेडवेज या स्लाइडवेज के नीचे ये रैक के दांत बने होते हैं, ये भी बाद में आएगा काम में। इसके बाद अगर देखे तो ये जो नीचे वाली ये रॉड होती है, ये लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू जब थ्रेड कटिंग करते हैं लेथ मशीन पर, तो हाफ नट मैग्नीजियम के साथ इंगेज करके कैरेज को डिजाइन डायरेक्शन में, कंट्रोल डायरेक्शन में फीड देते हैं, और फिर राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड काटते हैं, तो सब आएगा चर्चा में, हड़बड़ाना नहीं है। ये लीड स्क्रू है, एक में थ्रेड होती है, 29 डिग्री एंगल होता है, नीचे होता है फीड शाफ्ट। अगर थ्रेड कटिंग ना हो रहा हो तो और अदर ऑपरेशन के लिए फीड शाफ्ट के सहारे ही ये कैरेज को चलाया जाता है, और ये फीड शाफ्ट के ऊपर में स्लॉट कटा होता है पूरे लंबाई में, और इसी पर फेदर की होती है, फेदर की का यूज होता है, जब लंबाई में स्लाइड करने वाले पार्ट होंगे और रोटेट भी कर रहा है तो वहां पर फेदर की यूज होता है, समझ में आ रही चीज। अब यहाँ पर ये टेल स्टॉक के भाग में देखें तो टेल स्टॉक में ये वाला जो भाग होता है, ये टेल स्टॉक हैंडविल है, ये आगे टेल स्टॉक का ये स्लीव होता है, अगर इस हैंडविल को चलाएंगे तो यहाँ से स्लीव बाहर आता है, स्लीव अंदर से खोखला होता है, और अंदर में क्या होता है, मोर्स टेपर, टेपर की कैटेगरी है, मोर्स के द्वारा दिया गया है, MT0 से MT7 8 साइज मोर्स टेपर बोलते हैं, बाकी डिटेल्स चर्चा इसमें कर लेंगे हम लोग, मोर्स टेपर भी अलग अलग टाइप्स के भी टेपर लेथ में ही पढ़ा देंगे सब। इसके बाद ये रैम लॉक होता है, रैम लॉक का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर इसको लॉक कर दिया गया, अगर ये हैंडविल घुमाएंगे तो इसका स्लीव बाहर नहीं आएगा, स्लीव बाहर नहीं आएगा, टेल स्टॉक का स्लीव हब या बैरल खोखला होता है, इसमें ड्रिल या ड्रिलिंग रिलेटेड टूल को पकड़ते हैं, जैसे ड्रिलिंग करना होगा तो ड्रिल को, टैपिंग करना होगा तो टैप को, रिमर के द्वारा रिमिंग कर सकते हैं, इधर पकड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखें ये जो कैरेज असेंबली होता है, ये पूरा कैरेज असेंबली है, इसमें अलग अलग ढेर सारे पार्ट है, और मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये कैरेज हैंडविल है, ये क्रॉस स्लाइड हैंडविल है, अभी और फिगर दिखाएंगे पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, खाली पेशेंस बनाए रखो। ये क्रॉस स्लाइड हैंडविल है, ये कंपाउंड स्लाइड हैंडविल है, और कंपाउंड स्लाइड के ऊपरी भाग पर क्या होता है, टूल पोस्ट होता है, समझ में आ रहा चीज। इतना ये हेड स्टॉक की तरफ चक फिट होता है, इसी में जॉब को पकड़कर रोटेट कराते हैं और सब काम करते हैं। अभी थोड़ा एक एक करके और आगे की तरफ बढ़ते जाए, इस फिगर में भी देख सकते हैं, देखिए ये हेड स्टॉक है, ये चक है। इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट है, यहाँ पर ये टूल पोस्ट है, सॉरी ये पूरा कैरेज असेंबली है, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा कैरेज असेंबली, इसमें ये कैरेज हैंडविल, उसके बाद ये कैरेज हैंडविल, क्रॉस स्लाइड हैंडविल है, कैरेज हैंडविल ये है, क्रॉस स्लाइड हैंडविल, और ये है कंपाउंड स्लाइड हैंडविल। यहाँ पर ये टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक हैंडविल, रैम लॉक है, ये एक बेड क्लैंप भी होता है, ये टेल स्टॉक को बेडवेज या स्लाइडवेयर पर कहीं भी खिसका सकते हैं, इसलिए इस टेल स्टॉक को हम लोग लूज हेड स्टॉक भी बोलते हैं, खिसका करके और क्लैंप भी कर सकते हैं, बेड क्लैंप होता है, इसलिए इसको हम लोग लूज हेड स्टॉक भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है कहानी। अब यहाँ पर फीड रॉड, इससे ऊपर किसी किसी में अगर लीड स्क्रू नहीं है तो फीड रॉड ही रहेगा, और उसी पर एक में थ्रेड कटा होता है, वो दोनों का काम करता है, लीड स्क्रू और फीड रॉड, अधिकांश मशीनों में दोनों रॉड मिल जाती है, फीड रॉड और आपको एक में थ्रेड वाली जो लीड स्क्रू होती है वो भी मिल जाती है। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, जब भी अगर लेथ एक्सिस बोले,
या जॉब एक्सिस बोले तो यही है, मशीन एक्सिस बोलिए या लेथ एक्सिस बोलिए, लेथ का एक्सिस है या धुरी है, या जॉब का एक्सिस। जब जॉब को हम लोग फोर जा चक में या थ्री जा चक में ट्रू कर देते हैं, ट्रू मतलब शुद्ध पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वो बराबर गोलाई में घूमता है, तो उसका एक्सिस, जॉब का एक्सिस और ये मशीन का एक्सिस बोलिए या लेथ एक्सिस सेम होगा। इसमें कुछ चीज और देखते हैं, क्रॉस स्लाइड जो नाम है ना, क्रॉस स्लाइड मशीन के एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर इस क्रॉस हैंड व्हील को चलाएंगे तो ये इसमें जो टूल पोस्ट है, टूल कहाँ जाता है, आगे की तरफ जाता है। अगर ये कैरेज हैंड व्हील के द्वारा घुमाकर चलाएं तो कैरेज कैसे चलता है, लेथ एक्सिस से समानांतर। नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी सभी चर्चा बाकी है, इसमें एक एक पार्ट को अलग अलग करके बता देंगे पूरा फिगर एनिमेशन के माध्यम से, कोई समस्या नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर व्हील मशीन, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ये पूरा कैरेज असेंबली है। कैरेज असेंबली में ये कैरेज हैंडव्हील है, क्रॉस स्लाइड हैंडव्हील, ये कंपाउंड स्लाइड हैंडव्हील, ये टूल पोस्ट होता है। अब बहुत परेशान कर रहा है कैरेज असेंबली, अब इसको समझ ही लेते हैं ना एक एक करके, और यहाँ पर और भी मोशन बताएंगे कैसे अलग अलग यूनिट का, अलग अलग स्लाइड का क्या फंक्शन होता है, ये सारा चीज यहाँ डिस्कस कर देंगे। देखिए कैरेज असेंबली में देखें तो कैरेज के भाग को पूरा दुताला, तीन ताला, चार ताला जो दिख रहा था, इसको हम लोग बाहर कर लिए और इसको पढ़ते हैं। तो मेरा चीज अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक एक पार्ट के बारे में पूछा जाता है। ये एप्रोन है, एप्रोन मैकेनिज्म होता है कैरेज को समानांतर चलाने के लिए, क्रॉस लाइट के द्वारा पावर फीड में परपेंडिकुलर चलाने के लिए एप्रोन मैकेनिज्म होता है, ये सब आएगा। ये सैडल है, सैंडल नहीं है, सैडल बोल रहे हैं, ठीक। ये जो बेडवेज स्लाइडवेज है ना, इसको जोड़ता है ये सैडल, कास्टिंग किया हुआ है, जॉब होता है एच टाइप का। इसके ऊपर देखें तो ये क्रॉस स्लाइड है, उसका ये हैंड व्हील है, इसको चलाएंगे तो टूल कैसे चलेगा। अगर मशीन का एक्सिस ये मान ले ये है, या जॉब का एक्सिस, तो क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील, क्रॉस नाम ही है, ये इसको चीरते हुए आगे जाएगा, काटते हुए क्रॉस में, यानी लेथ एक्सिस या जॉब एक्सिस के कैसे चलता है, परपेंडिकुलर चलता है। अभी मोशन समझो, ऑपरेशन तो बाद में समझ लेंगे किसमें कैसा फीड और डेप्थ अप कट देते हैं, क्रॉस में चलेगा। इसके बाद ये देखेंगे तो ये कंपाउंड स्लाइड हैंडव्हील है, ये कंपाउंड स्लाइड है। कंपाउंड स्लाइड का नीचे वाला जो भाग होता है, इसको हम लोग स्विवल प्लेट नहीं तो स्विवल बेस बोलते हैं। इस पर एंगल की मार्किंग होती है पूरी गोलाकार परिधि में, और इसका प्रयोग हम लोग जब टेपर टर्निंग करते हैं, स्विवलिंग ऑफ कंपाउंड रेस्ट के द्वारा, कंपाउंड रेस्ट को घुमा करके टेपर टर्निंग करते हैं, उस समय इसका प्रयोग होता है। तो सब आएगा, एक व्यू बनाओ, जिसको आ रहा है नहीं आ रहा है आराम से पहले सोच, बैठ करके सुनो, कोई समस्या नहीं है, एक एक पार्ट सब समझ में आ जाएगा। अभी भी बोले थे ना कि एक व्यू बना रहे हैं, थोड़ा सा समझना है, ये मशीन है, मशीन थोड़ा दिमाग में इमेज बने। अब यहाँ पर देखें तो ये इसका जो टॉप स्लाइड होता है, इसके ऊपर टूल पोस्ट होता है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि टूल पोस्ट कहाँ होता है, तो कंपाउंड स्लाइड नहीं तो कंपाउंड स्लाइड के ऊपर जो ये टॉप स्लाइड होता है, इस पर टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट में टूल को पकड़ते हैं। अब इसी का फिगर अगर देखें तो ओरिजिनल भी है, मशीन में ऐसा रहता है। देखिए ना यहाँ पर देखें तो ये कैरेज हैंडव्हील है, ये क्रॉस स्लाइड हैंडव्हील है, ये कंपाउंड स्लाइड हैंडव्हील है, और ये टूल पोस्ट है। समझ मेरा चीज, ये लीड स्क्रू फीड रॉड, एप्रॉन मैकेनिज्म इसके अंदर है, पावर फीड देने के लिए कैरेज को और क्रॉस स्लाइड को पावर फीड में चलाने के लिए एप्रॉन मैकेनिज्म यूज करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे हम। अब यहाँ पर इसी को देख करके एक फिगर दिया क्वेश्चन, इस तरीके से इसको बताना है। UPRBNL 2021 में पूछा था यह क्वेश्चन। चित्र में दिए गए लेथ मशीन के कैरेज को दिखाया गया, इसमें एक्स भाग चिन्हित का नाम क्या है, ये एक्स वाला भाग है, इसका नाम क्या है, UPRBNL 2021 में पूछ रहा है। तो इसको तो देखकर अभी बता है ना, गजनी भी बता सकता है, मुस्कुरा रहा होगा देख करके, अच्छा यही आ गया, तो कौन सा पार्ट है ये। तो अभी बताए थे ना, ये कैरेज हैंडव्हील है, इसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं, ये कंपाउंड स्लाइड है, तो इसी भाग के बारे में पूछा है। कंपाउंड स्लाइड का निचला भाग ये स्विवल बेस होता है, और कंपाउंड स्लाइड के ऊपरी भाग पर ये क्या है, टूल पोस्ट है, जिसमें हम लोग टूल को लगाते हैं। तो मेरा चीज, अब यहां पर देखें तो ये कौन सा पार्ट है, कंपाउंड स्लाइड है ना, राइट आंसर क्या रहेगा, कंपाउंड स्लाइड, बस ऐसा। अब यहां पर देखिए एक चीज और समझिए, कोई कोई ये भी सोचता है कि ये जो कैरेज हैंडव्हील है, इससे हम लोग लेथ एक्सिस से समानांतर चलाते हैं, क्रॉस स्लाइड से परपेंडिकुलर चलाते हैं,
ये कंपाउंड स्लाइड हैंडविल है, इससे कैसे चलाएंगे, ये कैसा मोशन देगा? तो कंपाउंड स्लाइड हैंडविल अगर स्विवल प्लेट से हम लोग सेट नहीं किए हैं, डायरेक्ट इसको चला रहे हैं 90 डिग्री पर टूल को सेट करके, तो ये लेथ एक्सिस के समानांतर ही चलेगा। तो फिर बोलेगा लोग कि जब कैरेज हैंडविल था ही समानांतर चलाने के लिए टूल को, तो इसकी क्या जरूरत है? जो बेडवेज या स्लाइडवेज होता है उस पर कैरेज हैंडविल के द्वारा हम लोग पूरी लंबाई में खिसका सकते हैं, लेकिन इसको इसके द्वारा जितना इसका स्लाइडवेज है ये दूरी, इतना ही दूरी में इसको खिसका सकते हैं। ये फंक्शन में तब आता है जब कोई छोटा जॉब, कोई जॉब है उसके कम लंबाई में टर्निंग करना है। टर्निंग का मतलब होता है डायमीटर को कम करना, लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कम लंबाई में टर्निंग करना होगा तो उसके द्वारा जितना स्लाइड है उससे इसको हम लोग टूल को फीड दे सकते हैं ना लेथ एक्सिस के समानांतर, इसलिए होता है। समझ में आ रहा है इतना चीज? अब चलिए आगे की तरफ चले अगर, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी जितना कहानी अभी इसमें एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताए हैं, कुछ इसमें देख लेते हैं लिखा हुआ पार्ट लेथ मशीन के लिए। इस मशीन का प्रमुख काम जॉब को घुमाना है और घूमती हुई जॉब पर कटिंग टूल द्वारा कटाई करके उसकी विभिन्न आकार की सतह बनाना और दूसरी क्रियाएं करना है। यही चीज तो हम लोग पढ़ रहे हैं शुरू से। अब इसी को अंग्रेज लोग कैसे बोलेगा, तो द मेन फंक्शन ऑफ दिस मशीन इज टू रोटेट द जॉब एंड मेक डिफरेंट शेप सर्फेसेज बाई कटिंग विथ द कटिंग टूल ऑन द रोटेटिंग जॉब एंड परफॉर्म अदर ऑपरेशंस। अब कोई बोले सर हिंदी बताइए, अरे तो हिंदी यही है ना, इसी का इंग्लिश है। तो ये हिंदी मीडियम के लिए सीबीएसई, नहीं तो अंग्रेजों के लिए है ये, जो जिस भाषा में समझ पा रहा है समझ सकता है, दो ही भाषा का ऑप्शन है यहाँ। अब समझ रहे चीज? नेक्स्ट है, इस मशीन का स्पिंडल अलग अलग गति पर घुमाया जाता है। ये जो स्पिंडल है ये जिसमें चक लगा होता है, इसको अलग अलग स्पीड पर घुमाते हैं। इसके बारे में हम लोग हेड स्टॉक जब उठाएंगे ना उस समय पूरा चर्चा कर देंगे, कौन कौन हेड स्टॉक है, कैसे स्पीड अलग अलग चेंज कर सकते हैं। बल्कि इसमें स्पीड चेंज करने के लिए शिफ्टिंग लीवर लगे होते हैं, लीवर मतलब छड़ उत्तोलक लगा होता है। समझ में आ चीज? तथा जॉब को पकड़ने के लिए चक, फेस प्लेट, अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए ड्राइविंग प्लेट, एंगल प्लेट, सेंटर्स इत्यादि लगे होते हैं। जितना भी नाम आ रहा है ना चिंतित नहीं होना है, देखे हो तब भी, नहीं देखे हो तब भी, सब बता देंगे यहाँ पे एक एक करके। अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना सीख गए होंगे, अभी धीरे धीरे करके सारा पार्ट हम लोग 15 दिन तक यही करेंगे, एक एक करके पढ़ते रहेंगे, इसका चीड़ फाड़ कर देंगे। द स्पिंडल ऑफ दिस मशीन इज रोटेटेड एट डिफरेंट स्पीड एंड चक, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, एंगल प्लेट एंड सेंटर ETC आर यूज टू होल्ड द जॉब। इन सब का प्रयोग हम लोग जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। चलिए आगे की तरफ चलें, तो नेक्स्ट है, इसके स्पिंडल को विद्युत मोटर या इंजन द्वारा चलाया जाता है ना, इसीलिए इसका नाम भी क्या रहता है, इंजन लेथ। शुरू शुरू में जब ये डेवलप हुआ था ना, इसके क्लासिफिकेशन बात करेंगे, लेथ मशीन का जो टाइप है वो बाद में बात करेंगे सबसे अंत में, पहले इसके बारे में समझ तो ले ली पार्ट वगैरह के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में इंजन लेथ इसको बोलते हैं, वर्कशॉप में जो होता है, या सेंटर लेथ बोला जाता है। इंजन लेथ के शुरू शुरू में जब डेवलप हुआ था तो उस समय ये स्टीम इंजन के द्वारा चलाया जाता था, इसीलिए नाम वही है, इंजन लेथ ही है। लेकिन अभी पावर का सोर्स क्या हो गया, चेंज हो गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी मोटर होता है, मोटर के द्वारा चलाते हैं। इट्स स्पिंडल इज ड्रिवन बाई एन इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन। इसमें कटिंग टूल को अधिकतर टूल पोस्ट में पकड़ा जाता है, ये टूल पोस्ट होता है। ज्यादातर हम लोग लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही प्रयोग करते हैं, तो टूल पोस्ट में पकड़ा जाएगा, जैसे टर्निंग टूल है, पार्टिंग टूल है, चैम्फरिंग टूल है, ठीक, ग्रूविंग टूल है, फेसिंग टूल है, सब इसमें पकड़ा जाएगा टूल पोस्ट में। बल जबकि जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जैसे ड्रिल या ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशन करने हैं उसके लिए ड्रिल हो गया, रिमर हो गया, टाइप हो गया, ये सब किस में पकड़ा जाता है, तो टेल स्टॉक, ये जो स्पिंडल होता है या टेल स्टॉक स्लीव होता है, ये अंदर से खोखला होता है, उसमें पकड़ते हैं और फिर ड्रिलिंग करते हैं, ये सब आ जाएगा। इट इज द कटिंग टूल
सॉरी इन दिस द कटिंग टूल इज कॉल्ड मोस्टली इन द टूल पोस्ट। इसमें फिट स्लाइडों की सहायता से टूल को विभिन्न दिशाओं में घुमाया जाता है। फिट स्लाइड का मतलब क्या है यहाँ पे? फिट स्लाइड का मतलब है क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, ये सब, या कैरेज हैंडविल के द्वारा हम लोग पूरे बेडवेज पर इसको खिसका सकते हैं, ये सब स्लाइड है। तो अलग अलग फिट, इसमें फिट स्लाइडों की सहायता से टूल को विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है। विभिन्न दिशाओं का मतलब है कि अगर ये कैरेज हैंडविल से चलाएंगे तो ये कैसे चलेगा? लेथ एक्सिस के समानांतर चलेगा, पैरेलल चलेगा टूल या पूरा कैरेज असेंबली। क्रॉस स्लाइड से चलाएंगे तो कैसे चलेगा? लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर चलेगा। कंपाउंड स्लाइड से भी परपेंडिकुलर चलेगा। कंपाउंड स्लाइड का जो नीचे वाला बेस प्लेट होता है, स्विवल प्लेट या स्विवल बेस, उसके द्वारा अगर एंगल पर सेट कर दिए और कंपाउंड स्लाइड से फीड दे रहे हैं तो कैसे चलेगा? एंगुलर चलेगा। तो अलग अलग दिशाओं में जब चलाएंगे तो अलग अलग पर्पस के आधार पर, अलग अलग ऑपरेशन के आधार पर अलग अलग दिशा में चलाते हैं। द टूल इज रोटेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन विथ द हेल्प ऑफ स्लाइड फिटेड इन इट। इसमें जो भी स्लाइड फिट होते हैं उसके द्वारा हम लोग अलग अलग दिशा में चला सकते हैं। समझ मेरा चीज? मेरा चीज ये सब आएगा आगे एक एक करके। राजकुमार मौर्य, ज्यादा समस्या नहीं है, बस बने रहो, देखते रहो, पूरा क्लियर समझ में आएगा। पूरा डिटेल्स जो बोलते हैं ना, ये आगे आ जाएगा पूरा डिटेल्स, इसलिए बोल रहे हैं। अभी जितना बता रहे हैं वो समझने का कोशिश करो ना। एक बार में भगवान का भाई नहीं बन सकता है कोई। अब ये बताए फिर जा करके रिवाइज करना, पूरा क्लियर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा फिर देखना, एक बार फिर देखना, दो बार तीन बार देख, ऐसा कर कर डेथ मशीन में अगर देखें नेक्स्ट पार्ट। यदि टूल को कैरेज के द्वारा चलाया जाए तो यह जॉब की धुरी के कैसे चलता है? समानांतर चलता है ना, या सिलिंड्रिकल सतह तैयार होता है। टर्निंग में हम लोग फीड कैसे देते हैं? लेथ एक्सिस के समानांतर। इफ द टूल इज ड्रिवन बाई ए कैरेज इट मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द जॉब एंड प्रोड्यूसेस ए सिलिंड्रिकल सरफेस। क्रॉस स्लाइड की गति द्वारा टूल 90 डिग्री के कोण पर मशीन अक्ष के तरफ आगे बढ़ता है। द क्रॉस स्लाइड मोशन मूव द टूल एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द मशीन एक्सिस। अगर यहाँ पर हेड स्टॉक मान लें, ये हेड स्टॉक में ये जॉब है, और इसको मान लें कि ये टेल स्टॉक है और ये जॉब एक्सिस या मशीन का एक्सिस है, मशीन का एक्सिस या जॉब एक्सिस सेम बात है। यहाँ पर अगर ये टूल पोस्ट में टूल पकड़ा गया है, अगर कैरेज से जलाएंगे हैंडविल से, तो ये लेथ एक्सिस के समानांतर चलेगा। इस एक्सिस के कैसे चलेगा? समानांतर। तो टर्निंग में हम लोग यही करते हैं। टर्निंग में कैसे करते हैं? लेथ एक्सिस से समानांतर फीड देते हैं लंबाई में टर्निंग करने के लिए, और लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी क्रॉस में, इस एक्सिस को ये काट रहा है ना 90 डिग्री पर, आगे की तरफ क्रॉस स्लाइड हैंडविल के द्वारा बढ़ाते हैं, तो ये डेप्थ ऑफ कट लेता है टर्निंग में, और ऐसा करके डायमीटर कम होता है जॉब का। समझ में आ रहा चीज? ऐसा जिसको पता है वो देखो बोल रहा है आगे आगे। समझ में आ रहा चीज? तो सारा चीज आएगा। नेक्स्ट देखें, अगर इस मशीनों को सभी मशीनों की माँ कहा जाता है, क्योंकि इस मशीन के ऊपर दूसरी मशीनों की तुलना में बहुत अधिक ऑपरेशन किया जाता है, जैसे टर्निंग, टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, टैपिंग, रिमिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, फॉर्मिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग इत्यादि, ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मशीनों की माता किसे कहा जाता है, तो लेथ मशीन को ना। अब मजाक में कोई कोई पूछता है कि सर पिताजी कौन है, तो पिताजी का खोज नहीं हुआ है, खोज करो आप लोग, फिर बताना कौन है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पिताजी कौन है। ज्यादा ऑपरेशन इस पर कर सकते हैं, इसीलिए इसको सभी मशीनों की क्या बोला जाता है? माता बोला जाता है। लेथ मशीन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल मशीन्स बिकॉज मोर ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन दिस मशीन देन अदर मशीन लाइक टर्निंग, टेपर टर्निंग, थ्रेडिंग, बोरिंग, टैपिंग, रिमिंग, नर्लिंग, ड्रिलिंग, फॉर्मिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग, मिलिंग एंड ग्राइंडिंग। अब ये बोलेगा कि ये एक ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो एको ऑपरेशन समझ में नहीं आ रहा है तो ये सब ऑपरेशन पढ़ना है। 15 दिन क्या करेंगे, मजा मारेंगे क्या यहाँ पे? 15 दिन में क्या करेंगे हम लोग? यही सब पढ़ाएंगे ना, या पढ़ेंगे? बोलोगे आगे पढ़ाएंगे तो यहीं पे पढ़ा दे, तुम्हारा आज ही खत्म करने लेते, संभव नहीं है। तो सीधी सीक्वेंस मेंटेन करके चलना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
अब लेथ मशीन के प्रमुख भाग में देखें, मेन मेन पार्ट के बारे में, तो शुरू में जो इंट्रोडक्शन कराए थे उसको समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, क्विक चेंज गियर बॉक्स, ये स्पीड चेंज करने के लिए गियर बॉक्स होता है। नेक्स्ट होता है बेड, लीड स्क्रू, फीड रॉड, सैडल, स्विवल प्लेट और क्या रहता है, टूल पोस्ट। समझ में आ रहा चीज? अब यहाँ पर लेथ मशीन का विवरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी यहीं पे करा देंगे, धुआं धुआं होने का सवाल ही नहीं है, चाट के जाना है यहीं से, और एग्जाम में भी क्वेश्चन कर देना है आराम से, ठीक। लेथ मशीन का विवरण, स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो भी लेथ मशीन आएगा उसका जो साइज निर्धारित है अलग अलग फैक्टर के आधार पर, वो कौन कौन सा होता है ये सब देखने वाले। जैसे मोबाइल खरीदते हो तो उसमें एक मैनुअल रहता है ना, किताब, नहीं तो स्पेसिफिकेशन में जाकर देखते हो कि बैटरी कितना एमएच का है, रैम कितना एमएच का है, कौन सा ब्रांड है। समझ रहा चीज? ये सारा स्पेसिफिकेशन ये लेथ मशीन के साथ भी है कि जब मशीन आए तो उसका भी मैनुअल रहता है, उसमें सारा चीज डिफाइंड रहता है, उसी के अनुसार उसी को ध्यान में रख करके उस पर बड़े से बड़े छोटे से छोटे जॉब बनाए जाते हैं। लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन में अगर देखें तो सिंपल सा एक व्यू बनाओ। लेथ मशीन में हम लोग क्या देखे थे, ये हेड स्टॉक है ना, ये क्या है, टेल स्टॉक है। ये हेड स्टॉक, ये टेल स्टॉक, यहाँ पर एक एक जो भी ये एरो के द्वारा नेमिंग किया गया, जैसे वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये एक एक सबका मीनिंग है, और इसी के आधार पर अलग अलग तरीके से स्पेसिफिकेशन विवरण दिया गया है इसका। मेरा SDSC में हो गया है सर, आपकी ही वजह से। चलिए SPD, थैंक यू, फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा। तो मेरा चीज कंटेंट का कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे बाद में, ठीक, नहीं तो कोचिंग वाले नंबर पे कॉल करके एक बार इंफॉर्मेशन दे दीजिए आप, फिर आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर अगर देखें तो स्पेसिफिकेशन में पहला है हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड, जैसा इसमें सीरियल नंबर है वैसा ही यहाँ पर भी देखना है फिगर में। यहाँ पर अगर देखें तो ये सीरियल नंबर वन, ये बेड है ना, ये हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ये बेड या बेडवेज या स्लाइडवेज ऊपरी भाग को बोलेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ ये बेड से लेकर के ये लेथ मशीन का एक्सिस है, नहीं तो जॉब एक्सिस बोल सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होगी इसको क्या बोल देंगे, तो बेड से लेकर सेंटर तक की क्या दूरी, यही तो बोल रहा है हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड। बेड के ऊपर सेंटर तक कितना हाइट है, ये UK स्पेसिफिकेशन है। UK मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम, उसके द्वारा दिया गया ये स्पेसिफिकेशन है, विवरण है। दूसरा है मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड, मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड ये USA स्पेसिफिकेशन है। USA का मतलब होता है ये अमेरिका के द्वारा दिया गया स्पेसिफिकेशन है। सो मेरा चीज, अब यहाँ पर देखे मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड, स्विंग का मतलब क्या होता है, रोटेट करना, जैसे ये जॉब है, अगर ये घूमने लगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विंग, स्विंग कर रहा है। तो यहां से यहां तक अगर ये सेंटर हाइट है, तो सेंटर हाइट है तो इसका दुगना, ये दूसरा देख रहे हैं ना हम लोग, स्विंग साइज कितना होगा, इसका दुगना। आप ये भी देख सकते हो कि ये सेंटर है तो ये रेडियस का काम कर जाएगा, जब जॉब को घुमाएंगे तो ये कितना लेगा, दुगना जगह लेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विंग ओवर बेड, मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड। ये सबको ध्यान में ले करके और जॉब को लगाया जाता है, कहीं ऐसा नहीं कि स्विंग साइज कम है यहाँ से यहाँ तक, या कि मान के चलिए कि ये अगर ये 50 mm मैक्सिमम है यहां से यहां तक सेंटर हाइट, 50 mm मैक्सिमम है बेड से सेंटर तक की दूरी 50 mm, तो हम लोग 45, 50 से थोड़ा कम तक के रेडियस वाले जॉब, यानी देखें तो 100 mm या उससे कम, 90-95 mm तक के जॉब को आराम से जॉब के सॉरी ये चक में पकड़कर या हेड स्टॉक स्पिंडल में पकड़ करके जॉब को घुमा सकते हैं ना और काम कर सकते हैं, ऐसा है। मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज, तीसरा मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज, ये कैरेज है, कैरेज में बताए थे 2-3, 4 होता है,
बेडवेज स्लाइडवेज से ये क्या होगा, हाइट पर होगा ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है, इसको इग्नोर नहीं कर देना है। इसका हाइट क्या रहेगा, कम रहेगा, तो मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज बोला है, कैरेज के ऊपर कितना स्विंग डायमीटर है, स्विंग डायमीटर मतलब पूरा गोल घूमने वाला डायमीटर, समझे ना चीज, मैक्सिमम स्विंग डायमीटर ओवर कैरेज, मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट होता है मैक्सिमम स्विंग ओवर गैप, टाइप्स ऑफ बेड में अलग अलग पढ़ाएंगे आपको, उसमें एक गैप बेड भी होता है, बेड के टाइप में फ्लैट बेड, बी बेड, कॉम्बिनेशन बेड, गैप बेड, ये सब बेड के टाइप्स हैं। अभी यहाँ पर गैप बेड के लिए समझिए ना, ये जो डॉट डॉट दिया है ना, डॉट डॉट, इसको चाहे तो हम लोग निकाल भी सकते हैं या लगा भी सकते हैं, तो बेड की लंबाई ये जो 6 है ये बढ़ जाती है, अगर इसको हटा दें तो ये गैप बन जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक गैप बन जाएगा, तो मैक्सिमम स्विंग ओवर गैप कौन सा स्पेसिफिकेशन था, मैक्सिमम स्विंग ओवर गैप 4, तो 4 नंबर कौन है, ये है ना, यहां से यहां तक अगर गैप बढ़ेगा, बेड का गैप बढ़ेगा तो डायमीटर भी क्या होगा, बढ़ेगा ना, 200-400, अब जितना कैपेसिटी होगा उतना स्विंग डायमीटर का जॉब हम लोग लगा करके काम कर सकते हैं, लेकिन इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि ये देखिए ना, ये गैप ज्यादा दूरी तक नहीं है, ज्यादा लंबाई तक नहीं है, इसीलिए छोटे जॉब यानी छोटे लंबाई के जॉब और बड़े डायमीटर के जो जॉब होंगे, इस तरीके से छोटे लंबाई के जॉब या बड़े डायमीटर के जो जॉब होंगे उसको पकड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, गैप में घुमा सकते हैं, तो मैक्सिमम स्विंग ओवर गैप ये स्पेसिफिकेशन है। सुन मेरा चीज, सब लोग मैक्सिमम अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके परफॉर्म किया है एग्जाम में, सबका रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए, तो जितना लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपके वजह से यहाँ हुआ वहाँ हुआ, सबको धन्यवाद, ठीक, इसी तरीके से लगे रहिए, इसी में खुशी होता है, और ये बताने की चीज है ही नहीं, सब लोग देख भी रहा है कौन कहाँ जा रहा है, इसरो, बार्क, डीआरडीओ, एनएफसी, यूपीआरबीएनएल, डीएमआरसी, एलएमआरसी, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, पांचवा स्पेसिफिकेशन, पांचवा के लिए अगर देखें तो पांचवा स्पेसिफिकेशन कौन है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये है ना, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, इसकी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ये 5 के द्वारा दर्शाया गया है, जितना ज्यादा दूरी होगा उतना बड़ा जॉब दोनों सेंटर के बीच में रख करके और हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब को बना सकते हैं। अभी भागना मत, अभी इतना जो आराम आराम से सनई ही बता रहे हैं ना, ये एक बैग 4-5 क्वेश्चन दाग देंगे, लौट जाओगे, इसके बाद क्वेश्चन ही आएगा, पूछेंगे आप ही लोगों से, तो बताना है, समझ मेरा चीज। कॉन्टेक्ट करने के लिए कोचिंग वाले नंबर पर कॉल कर लीजिए और उनको नंबर लिखवा दीजिए, हम वहां से नंबर ले लेंगे जो सेलेक्टेड है, ठीक, या चांस है, नहीं तो बाकी टाइम देंगे ना लास्ट में, बात करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, लेक्चर एक टारगेट तक पढ़ाने के बाद बात करेंगे आप लोगों से, तो उसमें जो डाउट होगा पूछ लेना, पर्सनल या इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, तो इसको बोलेंगे, जितना ज्यादा रहेगा उतना लंबा जॉब दो सेंटर के बीच में रख कर बना सकते हैं। लेंथ ऑफ बेड, बेड की लंबाई ये 6 है, यहां से यहां तक बेड की लंबाई, जितना ज्यादा लंबाई होगा कैरेज उतना दूरी में स्लाइड करा सकते हैं ना, या जो ये टेल स्टॉक होता है इसको भी खिसका सकते हैं उतना दूरी में। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ स्पीड एंड फीड अवेलेबल, अब ये सभी मशीन के लिए कॉमन रहता है, लेंथ ऑफ बेड और नंबर ऑफ स्पीड एंड फीड, स्पीड का मतलब है कितने तरह का आरपीएम अवेलेबल है, हेड स्टॉक का पार्ट है, अगर कौन पुली हेड स्टॉक होगा तो जितना स्टेप होगा कौन पुली का उतना ही आरपीएम मिलेगा, 3 या 4 होगा, 4 स्टेप होगा तो 4 डायरेक्ट और बैक गियर एंगेज करेंगे तो 4 और मिलेगा, 8 स्पीड, और गियर हेड स्टॉक होगा तो उसमें वेरिएशन ज्यादा रहता है, ये सब पढ़ लेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ स्पीड एंड फीड अवेलेबल, जैसे 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, 400 आरपीएम, 800, 1000, 2000, 3000, ये सब आरपीएम अगर अवेलेबल है तो एक एक स्पीड कहलाएंगे। फीड, अलग अलग तरीके से फीड हम लोग सेट कर सकते हैं, 0.02 mm पर रेवोल्यूशन, 0.03 mm, 0.05, कितना तक मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, ये सभी मशीन के लिए कॉमन रहता है। समझ में आ रहा है इतना चीज ना, अभी तक यही बताए, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं स्पेसिफिकेशन में, कि
हाइट ऑफ सेंटर ओवर बेड, बेड के ऊपर ये जो सेंटर हाइट होता है, स्पेसिफिकेशन वन मैक्सिमम स्विंग ओवर बेड, इसका दुगुना सेंटर हाइट से मैक्सिमम स्विंग ओवर कैरेज, ये तीसरा। उसके बाद चौथा देखें तो मैक्सिमम स्विंग ओवर गैप, और पांचवा देखें तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, सेंटर के बीच की दूरी, छठा है बेड की लंबाई, और फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पीड एंड फीड अवेलेबल। और क्वेश्चन अब करो यहाँ से एक एक करके, सारा क्वेश्चन बन जाएगा अब इसके आधार पर। इतना ही, ज्यादा चीज नहीं बताएंगे, काम वाला चीज बताएंगे, लेकिन खुआ देंगे कि खाओगे तो मजा आ जाएगा। सुन मेरा चीज, वेलकम है एसपीडी, जब मन तब आ सकते हो मिलने के लिए, ठीक। अगर यहां पर देखें, वर्क पीस की वह अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है जिसे लेथ मशीन पर काम में लिया जा सकता है, लेथ मशीन पर वह अधिकतम लंबाई जिसे लेथ मशीन पर काम मिले सकते हैं, ये क्या कहलाता है, बताओ आंसर। यूपी आर्बिनल 2021 में पूछा है, ताजा ताजा क्वेश्चन। मशीन बेड की अधिकतम लंबाई बोलेंगे, केंद्रों की ऊंचाई बोलेंगे, केंद्रों के बीच की लंबाई बोलेंगे, बार का अधिकतम व्यास बोलेंगे यानी जॉब का मैक्सिमम डायमीटर बोलेंगे, क्या बोलोगे बताओ। वर्क पीस की वह अधिकतम लंबाई कहलाती है जिसे लेथ मशीन पर काम में लिया जा सकता है, लेथ मशीन पर काम में ले सकते, राइट आंसर क्या रहेगा। लुट गया सब लोग ना, मैक्सिमम लोग, राइट आंसर इसका क्या रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी, केंद्रों के बीच की, क्या केंद्रों के बीच की लंबाई बोलते हैं ना, अभी तो बताए वह लंबाई जो लेथ मशीन पर काम में लिया जा सके। तो दो सेंटर के बीच में जॉब को फिक्स करेंगे तो सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर होगा ना, सी राइट आंसर होगा। क्लास प्रोडक्टिव होना चाहिए, समझे चीज, जो बता रहे हैं उसके आंसर भी करना आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और ऐसा ध्यान से अगर पढ़ोगे तो बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसी पर भर भर के क्वेश्चन। बेड से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम किया जाता है, किया जा सकता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी लोग ये वाला पढ़ेगा, द मैक्सिमम डायमीटर That can be worked on a lathe machine without hitting the bed is known as, UPI Arbinal 2021 में पूछा है, क्या होगा। बेड से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन दिया है, केंद्रों की ऊंचाई, बेड के ऊपर स्विंग व्यास, केंद्रों की लंबाई, अधिकतम बार डायमीटर बोलेंगे, राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे फटाफट आंसर करना है, राइट आंसर क्या रहेगा, बी, बेड के ऊपर स्विंग व्यास ना, बेड के ऊपर स्विंग डायमीटर, बेड से टकराए बिना, टकराए भी ना और आसानी से काम हो जाए तो घूमेगा ना, जाके खाली खड़ा रहेगा वहां पे, सेंटर हाइट नहीं होगा, केंद्रों के बीच की दूरी जो मार रहा होगा रेडियस है ना, वो ये स्विंग डायमीटर, बिना टकराए अधिकतम व्यास पर काम किया जा सकता, नहीं घुमाएंगे, घुमाएंगे तो क्या रहेगा, बेड के ऊपर स्विंग व्यास बोलेंगे, बी राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा चीज, जो जहां है उसके बगले में क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे, धुआं धुआं होने ही नहीं देंगे, परमानेंट करके छोड़ेंगे, खून में घुसा करके। चलो आगे, अभी कम नहीं हुआ है, ये एक साल में सब पूछ दिया है यूपी आर्बिनल, इसी से स्पेसिफिकेशन से, और सदियों से पढ़ा रहे हैं स्पेसिफिकेशन। खराद की धुरी और बेड के बीच की लंबवत दूरी को इस रूप में जाना जाता है, लेथ मशीन की एक्सिस, इंग्लिश से पढ़ो ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेथ एक्सिस एंड द बेड इज नोन एज, लेथ एक्सिस और बेड के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूपी आर्बिनल 2021, लो क्या बोलते हैं इसको। ऑप्शन दिया है, केंद्रों की ऊंचाई, अधिकतम मशीन बेड लंबाई, अधिकतम बार व्यास और केंद्रों के बीच की क्या बोलते हैं, लंबाई। तो इसमें तो बता सकते हो फटाफट, बताइए सभी लोग, और ए और बी सब मर रहा है, गजनी नहीं बनना है, क्लास कंटिन्यू रखना है, क्योंकि टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, और इतना क्लियर रहता है कि कहीं से भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इतना कंटेंट ऐसा रहता है कि समझ सकते हो आप लोग, लेकिन कोशिश करना कि रेगुलरिटी रहे। लेथ मशीन चालू की है तो आगे दूसरा चीज बताएंगे ना, शुरू से बताते रहेंगे पर डे, रोज रोज, यही तो कंटिन्यूटी रखना जरूरी है, ये बैच है, बैच नहीं लगो तो सब्सक्राइब कर देना, मजा आ जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो केंद्रों की ऊंचाई बोलते हैं ना, हाइट, केंद्रों की ऊंचाई, हाइट ऑफ द सेंटर। चलिए और क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया,
क्वेश्चन की कमी नहीं है, सब यही करा देंगे जितना रिलेटेड है। कंफ्यूज हुए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। कैरेज से टकराए बिना लेथ मशीन पर जिस अधिकतम व्यास पर काम किया जा सकता है उसे किस रूप में जाना जाता है? अरे नामों तो पढ़ो, कैरेज लिखा है, लगेगा एक ही जैसा आ रहा है, एक ही जैसा आ रहा है, लेकिन जो ध्यान दिया होगा उसी वही समझ पाएगा। इसे पहले बताएं, द मैक्सिमम डायमीटर दैट कैन बी वर्क ऑन द लेथ मशीन विदाउट हिटिंग द कैरेज इज नोन एज, बिना कैरेज से टकराए, कैरेज के ऊपर स्विंग व्यास बोलेंगे, अधिकतम बार व्यास बोलेंगे, केंद्रों की ऊंचाई बोलेंगे और केंद्रों के बीच की लंबाई बोलेंगे। ये भी यूपीआर भिनेल 2021 में पूछा। राइट आंसर क्या रहेगा? तो ए रहेगा ना, कैरेज के ऊपर स्विंग व्यास, ए राइट आंसर होगा। क्लियर होना चाहिए सभी को। कुछ पले पड़ रहा है क्या? लेवल है, ऐसा ही पढ़ो, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तेल निकाल के रख दोगे आराम से। एक कदम सफलता की ओर होनी चाहिए, न कि एक कदम झंडता की ओर। याद है ना कि भूल गया सब। एक खराद का आकार निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट होता है? स्पेसिफिकेशन खराद मशीन का कैसे देते हैं? ये डीएमआरसी में थोड़ा रंग बदल लिया, यूपीआर भिनेल पूछ रहा था, आपके डीएमआरसी पूछ लिया। रंग बदलेगा, कभी जींस पहन के आएगा, कभी टी शर्ट पहन के आएगा, कभी ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसे आने का मतलब क्या, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तब यहां पर देखे कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन दिया है स्पीड, टेपर कटिंग, सेंटर हाइट, कटिंग डेप्थ। तो क्या बोलोगे इसको? खराद का आकार निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो अभी बता के है ना, सेंटर हाइट, ये नंबर ऑफ स्पीड फीड, ये नॉमिनल स्पेसिफिकेशन में आता है, सबसे अंत में देते हैं इतने तरह के फीड अवेलेबल है, क्या अवेलेबल, सेंटर हाइट इसमें मेन है। तो राइट आंसर सबसे बेस्ट क्या रहेगा? सी, सी, जितने लोग सी मारे हैं करेक्ट है उनका। चलो आगे, कहानी कुछ समझ में आया? इतना इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे, लेथ बेड कल पढ़ाएंगे, अलग अलग जो टाइप्स होगा इसमें उन सबके बारे में कल पढ़ेंगे, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो सब साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे, जो जहाँ आएगा लग ले वहीं पर बगले में करते चलेंगे डिस्कस। तो यही पैटर्न रहेगा। आप लोगों का काम है जा करके, और वीडियो जब जाए वहाँ पर यूट्यूब पर, तो नोट्स बनाना है, ठीक, नोट्स बनाना है। अब यही कहानी बढ़ाते चलेंगे, जितना टॉपिक लिखा है वो सबके लिए, और क्लियर होना चाहिए सभी को, बेसिक से लेके एडवांस तक एकदम बता देंगे, और किसी भी एग्जाम के लिए। तो एग्जाम को मुंह देख के तैयारी नहीं करना है, ओहो एनपीसीआई लाया है, डीएमआरसी आया है, ऐसा नहीं, पढ़ो, टेक्निकल तैयार करो, सब में काम आएगा। तो कोई पूछेगा नहीं बार बार कि सर डीएमआरसी के लिए होगा कि नहीं, एनपीसीआई के लिए है कि नहीं है, इसरो के लिए है कि नहीं है, तो शुरू में बता दिए ना, सबके लिए है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, एकदम माइंड क्लियर रखो और दौड़ लगा देना है, एकदम सफलता मिलेगा। चलिए थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं, फिर सेशन एंड करेंगे। पीडीएफ सुविधा नहीं है पकौड़ी भाई, नोट्स बनाना है, नोट्स, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, माथा पे एग्जाम नहीं है, नोट्स बनाओ एक बार, नोट्स बना लिए तो फिर देखना आपका लेवल कहाँ चला गया, नोट्स बनाने के बहाने ही नौकरी हो जाएगा। जो लोग नोट्स नहीं बनाता है ना, सोचता है कि पीडीएफ ले लें और कंबल में घुस के और सूत करके पढ़े, तो सूत तले रह जाएगा। मेहनत करना सीखो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। पहला दिन है फिटर टेक आईटीआई, पहला दिन है, इसी तरीके से अब प्रत्येक दिन जुड़ना है, सप्ताह में 5 दिन बताए हैं ना, सोमवार से शुक्रवार, शनिवार और रविवार छुट्टी, 9 बजे से लाइव रहेगा। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग बढ़िया से, तहे दिल से, और नया लोग होगा सबको शेयर करो ना, फ्री में मिल रहा है। शुरू में बोले ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गजनी भी राजा बनेगा, अब गजनी दूसरा सोच रहा है, दादबाते मोड़ दिया गया है, जो हकदार होगा वो राजा नहीं गजनी भी बनेगा, समझ मेरा चीज ऐसा है। सर जी आपकी सोच अच्छी लगती है, सिकंदर कुमार, थैंक यू। अलग अलग कुछ नया होते रहेगा, तांडव करते रहेंगे हम लोग, ठीक। बस आप लोगों से भी यही उम्मीद है, जॉब होने के बाद बताया करो, कभी कभार टाइम मिल रहा है तो आकर मिल भी लिया करो,
पटना में, ठीक, किसकी तैयारी कर रहा है, फिटर टेक आईटीआई, सभी एग्जाम के लिए। टेक्निकल आईटीआई में जितना आपका सिलेबस है, कोई भी एग्जाम में टेक्निकल का सिलेबस है, वो सबके लिए है। ब्रह्मास्त्र बैच है, ब्रह्मास्त्र विनाशक बैच है, किसी भी एग्जाम को विनाश कर देगा, ध्वस्त कर देगा। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी चलवाइएगा ना सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रजेश डीएमआरसी टारगेट, इस साथ साथ में सब एमसीक्यू उड़ाते चलेंगे, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो, परफेक्ट सीखते चलो, पूछ भी तो रहे हैं कि क्या आंसर होगा। बाद में जब एग्जाम आएगा तो अलग से एमसीक्यू करना है कि नहीं करना है उसके बारे में सोचेंगे, पहले अभी आराम से नोट्स बनाते चलो और क्वेश्चन तो साथ में कराते चल रहे हैं, तो किसी के मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कराइए सर या पढ़ाइए सर, सब साथ में हो रहा है। कभी कभार आता है स्टाइलिश शुक्ला, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर में बताए हैं, उतना एक क्वेश्चन पे ध्यान रखते हो तो बन जाएगा शुक्ला। पहला ही दिन है आज, मेरे पास पहले से ही नोट्स है कुलदीप सिंह सर जी, ठीक है, नोट्स है तो अच्छी बात है ना, कुछ अपडेट भी मिलेगा इसमें, तो अपडेट जहां भी रहेगा आप नोट्स फॉलो करते चलिएगा अपना, और इसको भी उसमें ऐड कर लेना है चीज। चरण स्पर्श गुरु जी, सूर्य प्रकाश, खुश रहिए, टाइम से जुड़िएगा आप, 9 बजे से टाइम रहेगा, 9 से 10, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पढ़ते जाना है मजा लेते हुए। वीक में एक दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, रंजीत कुमार आईटी ओटी लखनऊ, रंजीत कुमार ये साथ में करा रहे हैं, वीक में एक दिन अलग से समय निकालने की जरूरत है ही नहीं, जो करें साथ में करते चले, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जहां रिलेटेड होगा वहां उसका जगह फिक्स है, वहां रख के बता देंगे, कोई समस्या नहीं है। सलखान हंसदा, आई एम लेट, चलिए 9 बजे से रहता है, 9 बजे से ही जुड़ना है, थोड़ा सा दबा के शेयर करते जाना है, लाइक करते जाना है। नॉर्मलाइजेशन का चांस नहीं है, बहुत कम चांस है, जो भी मार्क्स जितना आ रहा है, अब इंतजार कीजिए, रिजल्ट भी आ ही जाएगा, 15 से 20 के बीच में आ जाएगा डीआरडीओ का रिजल्ट, तो टेंशन नहीं लेना है। डीआरडीओ की वीडियो को देखकर नोट्स बना रहा हूँ गवेंद्र सिंह, ठीक है, गुड, बनाइए, उसमें क्वेश्चन का नोट्स अलग बन जाएगा, ये बना रहे हो तो सब बन जाएगा एक साथ। सर जी आप मस्त पढ़ाते हो, करमबीर, थैंक यू करमबीर, पढ़िए, जेआईडीयू जैसा और कोई वैकेंसी आता है क्या, अभी सामने आएगा ये टेक्नीशियन वाला, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे हैं, ज्यादा भीड़ देख करके नहीं भरना है, तैयारी कर लिए एक बार अच्छा से, तो 4 पोस्ट 5 पोस्ट जो भी है, एनपीसीआईएल का अभी फिलहाल आया है, 34 पोस्ट है, अलग अलग ट्रेड का भी उसके अनुसार है, देख लीजिएगा और उसके अनुसार भर लेना है। लेथ का पूरा क्लास होगा राजू महतो, पूरा लेथे का नहीं, पूरा सिलेबस होगा, अब पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। डीआरडीओ में 110 सही है सर जी, आपकी वजह से, भारत पटेल, थैंक यू भारत, हो जाएगा, इतना अगर नंबर आ रहा है तो हो जाएगा आराम से, तैयारी कीजिए स्किल का। गाइडवे स्लाइडवेज बोलते हैं, ये तो बेड है, बेड के टाइप में ये फ्लैट बेड होता है, ऊपर वाला भाग गाइडवेज या स्लाइडवेज होता है, जिसको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा वो सब समझ में आएगा, बस प्रतिदिन देखते जाना सब लोग, एक एक पार्ट सब तोड़ तोड़ के खोल खोल के दिखा देंगे, अब मशीन है तो वह मशीन खोल के थोड़ी दिखा देंगे, फार करके नहीं दिखा सकते, तो अलग अलग जगह बना है ना, अलग अलग दिखाएंगे और बताएंगे कि वहां था। चलिए सेशन एंड करते हैं हम लोग, शॉर्ट टाइम यही रहेगा हम लोग का, 9 से 10 एग्जैक्ट टाइम आएंगे, एग्जैक्ट टाइम खत्म करके जाएंगे, किसी दिन कोई टॉपिक रहेगा बीच में तो कुछ टाइम एक्स्ट्रा हो सकता है, नहीं तो कोई हड़बड़ी नहीं, आराम आराम से पढ़ते चलना है। एनपीसीआईएल भी आ गया है, जो भी सीट रहेगा, 5 सीट 10 सीट 15 सीट, आपको एक सीट चाहिए, तैयारी उस लेवल का रखो, आराम से हो जाएगा। पढ़ाई कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ मोनू कुमार, चलिए ठीक है, ऐसा ही हौसला रखिए, सफलता मिलेगा।
सेवेंथ फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ या नहीं? इलेक्ट्रिशियन का था, हो गया ना, आज ही हुआ, कब का हो गया? ट्रांसवर्सिंग व्हील हम लोग जो कैरेज हैंड व्हील होता है ना उसी को बोलते हैं पीसिंग। ट्रांसवर्सिंग व्हील जो होता है, जो कैरेज हैंड व्हील होता है उसी को बोला जाता है। तो उसका काम क्या है, लेथ एक्सिस के समानांतर टूल को क्या कर देना, फिट देना या कैरेज को चलाना, ये काम है उसका। आपका साथ हमारी मेहनत, अब झंडा गाड़ देंगे, गाड़ के रखना है सूर्य प्रकाश। चलिए ठीक है, सेशन इन करते हैं, कल मिलेंगे 9 बजे से। सभी लोग ध्यान रखना, 9 बजे से टाइमिंग फिक्स है, 9 से 10, सप्ताह में 5 दिन, ठीक है। डीआरडीओ का कट ऑफ नहीं बताए सर, आपको हमेशा से टारगेट दिए 90 से 95 लेकर के आओ, कट ऑफ उससे नीचे ही रहेगा, उतना तक है तो फाइनल सिलेक्शन तक रह सकते हो। आज से बोल रहे हैं, कितना दिन से बोल रहे हैं। चलिए सेशन इन करते हैं, गुड नाइट सभी को, अच्छे से पढ़ते रहिए।